तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकल के आ रहा है। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स का इंतज़ार जो है लगभग खत्म हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो है कुल टोटल 900 पोस्ट पर भर्ती होगा, 900 पदों पर भर्ती होगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए आपको प्रिपरेशन जो है किस तरह से करना है, किस तरह से तैयारी करना है। एग्ज़ाम्स आपका 2023 में होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भर्ती है, और छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए आपको कैसे तैयारी करना है और क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। योग्यता को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, और सबसे ज़्यादा डाउट इस चीज़ को लेकर रहता है कि कंप्यूटर्स कोर्स को लेकर, कि कंप्यूटर्स कोर्स किए हैं तो आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स कोर्स नहीं है, वो लोग नहीं किए रहते, उनके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स नहीं है, तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर उनका सिलेक्शन होने के बाद में क्या सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, आपके मन में बहुत से डाउट्स होंगे। और कट ऑफ को लेकर भी कि कट ऑफ जो है कितना होगा, कितने नंबर वाले, कितने मार्क्स वाले, कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है हो पाएगा, और किस तरह से हमें तैयारी करना है कि हम जो है छात्रावास अधीक्षक जो है बन पाए और एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके, और सैलरी जो है कितना मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने में कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में बहुत से डाउट्स हैं, तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सभी डाउट्स, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल पाएगा। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्वालिफिकेशंस की। जी हाँ, शैक्षणिक योग्यता, किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले योग्यता ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके लिए आवेदन कर सकते या फिर नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 900 पोस्ट की बात करें, तो इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। जी हाँ, यदि आप 12वीं पास है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और साथ में आपका जो है 1 ईयर्स का, जी हाँ, 1 साल का आपके पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स जो है होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1 ही साल का, चाहे आपने अगर कोपा किया हो। जी हाँ, 1 साल का कंप्यूटर्स कोर्स है, चाहे आपने आईटीआई कोपा किया हो, या फिर आपने डीसीए किया हो, या फिर आपने पीजीडीसीए किया हो, या फिर आपने जो है बीसीए किया हो, या फिर कंप्यूटर साइंस किया हो। बीसीए मतलब कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, चाहे आपने डीसीए किया हो, डिप्लोमा कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, या फिर कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इनमें से कोई भी हो, चाहे कंप्यूटर साइंस किया हो, आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो, डेफिनेटली आप जो है छात्रावास अधीक्षक जो है बन पाएंगे, और आपके सभी ड्रीम्स, आपके सभी ख्वाब जो है फिर पूरे हो पाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में अब डाउट चल रहा होगा ना कि हमारे पास कंप्यूटर्स कोर्स नहीं है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो आपका डाउट्स क्लियर करता हूँ। आवेदन तो कर पाओगे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पात्र घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर्स कोर्स नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से छूट जो है नहीं मिलेगा। हाँ, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 1 वर्ष का छूट मिल सकता है। तो जो स्टूडेंट अगर एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो वो आवेदन कर लेना छात्रावास अधीक्षक में, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो उसके बाद 1 वर्ष का कंप्यूटर्स कोर्स के डिप्लोमा कोर्स करने के, अगर डिप्लोमा कोर्स करके आप जो फिर दे सकते हो। अगर सैलरी की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा में आपको 22,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगा। देखो, 22,000 रुपये सैलरी कम नहीं होता, ज़रा सोच के देखो, 22,000 रुपये अगर आपको प्रत्येक माह जो है सैलरी मिले तो इससे आपकी ज़िंदगी जो है बदल सकता है, आपके सभी सपने, आपके सभी ड्रीम्स, आपके जितने भी ख्वाब्स हैं वो सभी ख्वाब जो है पूरे हो पाएंगे। 22,000 रुपये सैलरी प्लस 400 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा, यानी 22,400 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा जो है हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तैयारी सिर्फ 1 ही बार करना। आपको सिर्फ ऐसे सोचना है कि मुझे सिर्फ 1 ही बार मेहनत करना है, 1 ही बार तैयारी करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको 100% जो है मेहनत करना है। अगर आप 1 बार अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, 1 बार अगर आप अच्छे से कोशिश कर लेते हैं, 1 बार अगर आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाता है, उसके बाद फिर आप जितने भी
जितने भी चीज़ें हैं, आपके सभी सपने, आपके सभी ड्रीम्स, आपके सभी ख्वाब फिर पूरे हो पाएंगे और आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। यकीनन आपके सभी ड्रीम जो है पूरे हो सकते हैं। बस कोशिश ही अच्छे से करना है, बस मेहनत ही आपको अच्छे से करना है। तो जितना ज़्यादा तुम कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा तुम हार्डवर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हारे ख्वाब, उतने ही ज़्यादा तुम्हारे सभी ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। तो बस अच्छे से मेहनत करते रहना, कोशिश ही करते रहना। देखो, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे, मेहनत ही नहीं करोगे, तो कहाँ से तुम्हारे सपने, कहाँ से तुम्हारे ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। मेहनत ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा यकीनन आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। बस तैयारी अच्छे से रखो, मेहनत अच्छे से करना। 2023 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कंप्यूटर्स के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना। देखो, कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में जो है टोटल 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 में से कंप्यूटर्स में 25 नंबर लाना अनिवार्य है। जी हाँ, यदि आपका कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आ जाता है, मतलब आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप 50 में 25 नंबर नहीं ला पाते तो बाकी सब्जेक्ट में, चाहे आप इंग्लिश में हो या मैथ्स में हो या फिर रीजनिंग में हो या फिर जीके में हो, इकोनॉमिक्स में हो, बाकी सब्जेक्ट में आप कितना भी अच्छा नंबर क्यों ना ला लिए, चाहे आपने बाकी सब्जेक्ट में टॉप कर लिया हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर कंप्यूटर्स में 50 में 25 नंबर नहीं आता तो। इसलिए आपको अच्छे से कोशिश करना है, मेहनत करना है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सक्सेस और उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको फिर मिल पाएगा। इसलिए कोशिश ही अच्छे से करते रहना, मेहनत ही करते रहना, हार्डवर्क अच्छे से करते रहना। हार्डवर्क ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा हो, जो भी तुम सपने देख रहे हो, जो भी तुम ख्वाब देख रहे हो, यकीन मानो वो सभी ख्वाब, वो सभी ड्रीम्स तुम्हारे ज़रूर पूरे हो पाएंगे। बस कोशिश ही अच्छे से करना। आज भले तुम्हें, तुम्हारी कोशिश जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें कामयाबी नहीं दिला रहा है, लेकिन एक समय के बाद आएगा, एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा जब यही चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी दिलाएगा, यही चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस दिलाएगा। बस रुकना नहीं है ज़िंदगी में, जो है गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना कि यार ये चीज़ें हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। हमारे जैसे तो बहुत से लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको कामयाबी नहीं मिल पा रहा, तो हमें कहाँ से मिल पाएगा। तो देखो, बाकी लोगों को कामयाबी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बाकी लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है या नहीं बदल रहा, इससे आपका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ ये ज़िंदगी आपको मिली है, तो ये ज़िंदगी आपकी है, तो अपने लिए मेहनत करो। वीडियो से अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसी तरह से नए नए वीडियोस चैनल्स पर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।